सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y300+ डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर बैटरी पावर सेवर को ऑन कैसे करेंगे। गाइस, अगर आपका भी फोन जो है बैटरी का कंजप्शन ज्यादा कर रहा है या फिर बहुत ही जल्दी आपकी बैटरी डाई हो रही है, तो आपके फोन के अंदर एक सेटिंग्स आती है बैटरी सेवर करके, उसको आप एनेबल करके अपनी बैटरी लाइफ बचा सकते हैं। हालांकि ये मैं नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि आपकी बैटरी 5 दिन 10 दिन चलने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं। इमरजेंसी सिचुएशन में आप 30 मिनट से 1 आवर्स का बैकअप ले सकते हैं इस बाय डिफॉल्ट सेटिंग से, और कोई एप्लीकेशन ऐसी नहीं है प्ले स्टोर के अंदर या फिर कहीं भी नहीं है कि आपके फोन की बैटरी जो है 2-4-6 दिन चलाएगी। कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो 1 दिन से ज्यादा नहीं चल सकता, अगर डिपेंड करता है कि आप क्या एक्सेस कर रहे हो। अगर इंटरनेट के साथ कुछ हैवी टास्किंग के साथ कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 5 या 6 आवर्स के समथिंग वो किल हो जाता है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या यूज करो। नॉर्मल कॉल वगैरह यूज करोगे तो आई थिंक वो चल जाएगा 5-6 दिन, एक्स्ट्रा भी चल सकता है, और अगर आप इंटरनेट के साथ जाओगे तो वो नहीं चल सकता। फिलहाल चलो बैटरी सेवर को हम ऑन करने का प्रोसेस बताते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से ऑन करके बैटरी लाइफ बचाना है। गाइस, फोन के अंदर बैटरी सेवर को ऑन करने के हमें 2 वे मिलते हैं। शॉर्टकट कंट्रोल सेंटर में भी आपको शॉर्टकट मिल जाता है बैटरी सेवर का। अगर मैं डाउन करूं, पहले शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर बैटरी सेवर एक बार प्रेस कर देंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा, एंड जैसे आपने बैटरी सेवर को एक्टिवेट करेंगे आपके फोन में डार्क मोड भी सीधा सीधा एक्टिवेट हो जाता है, आपको उसे ऑन नहीं करना पड़ता। अभी देखो मेरे फोन में डार्क मोड भी हो गया। अब ये डार्क मोड जो हो गया है, ये इस पे लाइट थीम के मुकाबले बैटरी का कंजप्शन कम होता है, इसलिए बैटरी सेवर को ऑन करते ही डार्क मोड भी इनेबल हो जाता है। तो अभी इसको हम बंद करते हैं फिलहाल यहाँ से, और इसके मेन सेटिंग्स में लेकर चलते हैं बैटरी वाले में, जहाँ पर कुछ ऑप्टिमाइज फीचर्स हैं जिसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। कुछ लोग 5G का भी एक्सेस करते हैं, उसमें भी पावर ऑप्टिमाइजेशन है, मैं अभी आपको उसको दिखाता हूँ। पहले तो यहाँ आइए, स्क्रॉल करके नीचे सेटिंग्स के अंदर एक बैटरी का ऑप्शन होगा, इसको प्रेस करना। अभी देखो हमारी बैटरी 88% बची है, जो अबाउट 4 आवर्स 29 मिनट में लेफ्ट बची हुई है, लाइक की किल हो जाएगी। बट ये भी रॉन्ग दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको खुद पर्सनल यूज करा हुआ है। अगर कंटिन्यूसली हम जिस भी फॉर्मेट में यूज करते हैं फोन को, जिस तरह से फोन पे लोड होता है उसी तरीके से बैटरी वर्क करती है। अब यहाँ बैटरी सेवर ऑन करने का यहाँ भी प्रोसीजर है, बट इसके अंदर कस्टमाइज फीचर है। अगर मैं इसको ऑन करूँ और लेफ्ट साइड में क्लिक कर दूँ तो बैटरी के बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं बैटरी सेवर के अंदर ही। अब देखो ये ऑटोमेटिक टर्न ऑन करने का एक प्रोसीजर है। अभी आपने नोटिस भी करा होगा कि जैसे 20% या फिर 15% आती है बैटरी, ऑटोमेटिक डार्क मोड इनेबल करने का इंडिकेटर आ जाता है, कुछ लोगों में ऑन हो जाता है, तो आप यहां से उसको सेट आउट कर सकते हैं जितना रखना है आपको। एंड यहाँ पर ऑटो एग्जिट बैटरी सेवर है, अगर 90% अबोव चार्ज हो जाता है उसके ऊपर तो ऑटोमेटिक डार्क ये आपका बैटरी सेवर बंद हो जाता है, तो आप इसको भी ऑन कर सकते हैं। नीचे रेडियो स्क्रीन टाइम आउट ड्यूरेशन है, अगर आप चाहें तो इसको भी ऑन कर सकते हैं। इसमें भी देख सकते हो when battery saver is on, if the screen without, यहाँ पर टाइम आउट ड्यूरेशन एक्सटीड, ये जो आपको दिखा रहा ऑप्शन 30 सेकंड से लेके ये सेट कर सकते हो 30 सेकंड तक, तो अगर आप यहाँ पर करना है तो ये कर सकते हो। और यहाँ पर आपको रिड्यूस स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, आप इसको भी कर सकते हो। जैसे कुछ लोग रिफ्रेश रेट आपका जो भी है उनका वो पूरा सेट करके रखते हैं, बाय डिफॉल्ट नहीं होता, कुछ लोग करते हैं, तो उसको भी कर सकते हो। ये यहाँ से आप मैनेज प्रॉपर कर सकते हैं, ये भी बैटरी पावर को बचाने में हेल्प करता है। और इसको बैक करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको एप्स आर रनिंग का एक ऑप्शन है बैकग्राउंड में, जितनी भी एप्लीकेशन रन करती है हैवी बैटरी कंजप्शन के साथ वहां दिख जाता है, आप उनको बैकग्राउंड से हटा सकते हैं यहाँ पर अगर वो शो कर रहा है। तो ये कुछ तो फीचर्स हैं, बट ये लाइक कर सकते हो एडिशनल फीचर्स हैं इसके बैटरी सेवर के। और अगर बैटरी बचाना है आपको, वही मेन सेटिंग्स जो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको बैटरी सेवर ऑन करना होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज्यादा आप एक्सेस कर रहे हो, किस पे टाइम स्पेंड ज्यादा कर रहे हो, यहाँ से भी आप इसको कम यूज करके बैटरी पावर को बचा सकते हो। मेरी स्क्रीन टाइम आउट देख सकते हो, फ्री फायर भी चल जाता है कभी कभी, तो 30 मिनट हमने यूज करा था तो 10% बैटरी गई, तो ये कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है अपने हिसाब से। तो अगर आपको इमरजेंसी सिचुएशन में चाहिए, जैसे कहीं ट्रेवल वगैरह कर रहा हूँ वहां पर जरूरत पड़ जाती है, तो आप बैटरी सेवर का यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप समझे होंगे बैटरी सेवर को एनेबल एंड यूज कैसे करना था वीवो के Y300+ डिवाइस के अंदर।